ग्राम पांडुका विकासखंड छुरा जिला गरियाबंद से 23 किलोमीटर की दूरी पर है। आज यहाँ की महिलाओं ने दारू भट्टी बंद करने का आंदोलन शुरू किया है। इस आंदोलन को क्यों शुरू किया गया? शराब की वजह से महिलाओं को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, यह जानते हैं यहाँ की महिलाओं से। हमारा शराब भट्टी बंदी को लेकर, पूर्णताबंदी को लेकर हम लोग आज बैठक किए थे। इसमें हमारे 12-13 गांव के पूरे महिला समूह आज एकत्रित हुई थी। शराब भट्टी कांड मतलब हम काफ़ी दिनों से प्रयासरत है हमारा, लेकिन हम लोग इसके पूर्णता बंद नहीं करा पा रहे हैं। ग्राम में ही अगर हम लोग देखें तो कम से कम 15 से 20 हमारे जो भाई हैं लोग हैं वो सिर्फ शराब की वजह से उनकी डेथ हुई है। और उनकी जो भी विधवाओं को अगर देखेंगे तो उनकी उम्र 20 से लेके 25 तक की ही है, और उनके उनके दो दो तीन तीन छोटे छोटे बच्चे हैं, और उन बच्चों को अब आगे इतना उनका है भविष्य में, उनका कोई भी भविष्य नहीं है, क्योंकि अपने पीछे ना कोई पैसा छोड़ के गए हैं और ना कुछ भी नहीं छोड़ के गए हैं, तो उनकी पूरी जिंदगी ही बदल चुकी है। आप क्या कर रहे मैम? अगर दारू नहीं पीते, नशे में नहीं रहते तो इसी धंधे का और अपराध नहीं करते, तो दारू भट्टी को बंद हो जाना ही चाहिए, और बंद हो जाएगी तो शांति बनी रहेगी। छोटे छोटे पढ़ाइया लड़का में सीसी पिया थे। पांडुका में भट्टी के सामने हम लोग शराबबंदी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें चक्का बंद रहे, पूरा चक्का जाम की स्थिति है, जिसमें हमारे कम से कम 22-23 गांव के सरपंच और उनके पंचगण और वहां से महिला समूह पूरी आ रही है हमारी टीम। चक्का जाम करके हम यही बताने को चाह रहे हैं कि ये हमारा उद्देश्य अभी शुरू हो रहा है। पूर्णतः जब तक ये दारू भट्टी नहीं हटेगी तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। जितने भी लोग यह वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करती हूँ कि बदलाव के लिए गरियाबंद जिला के कलेक्टर माननीय श्री निरंजन दास जी को उनके ऑफिस के नंबर 07706241455 इस नंबर पर फ़ोन करके दबाव डालें, ताकि पांडुका का शराब भट्टी जल्द से जल्द बंद करवाया जाए। मैं रीना रामटेके, ग्राम पांडुका, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहर्ट के लिए।